तो नमस्कार, स्वागत है मेरे एक अनदर ब्लॉग में। ये है मिस्टर कान्हा जी, जो कि परसों अलग अपने पिछले ब्लॉग में भी देखे होंगे। और ये यहाँ पे उनके गाय, दो तीन गाय इसके हैं कान्हा जी के, कान्हा के नहीं बट उसी के दोस्त के हैं, लेकिन कान्हा ही इनको देख रहा है। और ये गांव देख सकते हैं आप, गुलाब कोटी, कितना सुंदर हमारा गाँव है, छोटा छोटा। ये देखिए, ये सामने आपको जो दिख रहा होगा, ये स्कूल है हमारी, जहाँ हम कक्षा 8 तक पढ़े हैं। और ये उसी के बगल पर जो दिख रही स्कूल दूसरी, वो कक्षा 5 तक है, हम वहाँ पढ़े हैं। और ये नीचे पर अरविंद जी का घर है, ये अरविंद। और नीचे आपको दिख रही होगी हाईवे है, बद्रीनाथ के लिए जाती है यहाँ से, जो मेन हाईवे बद्रीनाथ के लिए जाती है। और ये एक रोड की कटिंग हमारे गांव के लिए चल रखी थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुई रोड, तो अभी आधा काम पेंडिंग है। लेकिन एक रोड इधर से आती है, इधर ये मेन रोड है, इधर से लंगसी की तरफ से ये कटते हुए यहाँ आ गई है गाँव में, तो ये एक रोड सक्सेसफुल हो गई है। और ये हमारे इधर को, इस जगह को, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने बहुत क्रिकेट खेला है, इस जगह को बोलते हैं बंगला। इसको हम अगर सर्दियों के सीज़न में हम बहुत क्रिकेट खेली है यहाँ पर। और ये हमारे इधर खेत हैं, 4-5 खेत हमारे बंगला में, इधर हम लोगों के खेत हैं ये, जो ये ऊपर वाले गांव हैं। और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा नरसिंह मंदिर जी है, नरसिंह भगवान का मंदिर। हम यहाँ जाते हैं, मतलब मंथ में चल जाते रहते हैं वहाँ पूजा करने। और ये ऊपर यहाँ से ये टैंक दिख रहा है इसको, वहाँ भी हम लोगों के खेत हैं, इसको ज्वाला बोलते हैं। और जो ये इस जगह हम अभी आ रखे हैं, इसको बोलते हैं खरदार। और आपको मैं कुछ और भी दिखाऊंगा, मंदिर दिखाता हूँ यहाँ सामने से, यहाँ पे थोड़ा कैमरा से दिख नहीं रहा है। तो आज का मौसम देख सकते हैं आप, कि जो पहाड़ दिख रही होगी आप पहाड़ में, जो कल बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है, देखो पहाड़ में, कल बहुत बारिश का मौसम हो रखा था, तो बर्फ ही बर्फ गिर गई है चारों तरफ पहाड़ में, दिख रहा होगा आपको। जो ये लास्ट वाला दिख रहा है, ये माउंटेन, ये बद्रीनाथ जी का है, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ अभी है, -2 डिग्री सेल्सियस में वहाँ पर टेम्परेचर है। और हम चलते हुए धीरे धीरे अपने घर की ओर, क्योंकि हम आ रखे थे खरदार की ओर। और यहाँ पर हमने अपने गाय को भेजा है घास के लिए, घास चुगने के लिए मतलब। और हम चलते हुए धीरे धीरे, और आपको दिखाता हूँ, यह है हमारे गांव का लक्ष्मी नारायण का मंदिर, ये दिख रहा है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। ये बहुत अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है, माना जाना मंदिर है, माना जाता है कि ये 500 ईस्वी पूर्व पहले बन चुका है ये मंदिर, तो इस ऐसे इसकी मान्यता है। लक्ष्मी नारायण जी का यह मंदिर है, काफ़ी लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। और देख सकते हैं आप, हमारा गाँव कैसा लगा आपको, हमारा गाँव प्लीज़ कमेंट में बताओ और बताना कैसा है हमारा गांव। ये है हमारा गांव, छोटा सा, चारों तरफ पहाड़ है, मतलब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। और यहाँ भी अभी रोड की कटिंग सामने से आ रही है। और ऐसा हमारा गांव, छोटा सा, बहुत अच्छा प्यारा गांव। आज का मौसम काफ़ी सुंदर, और ये अभी देख रहे होंगे फूल लगे हैं आजकल, जो आजकल फूल आ रखे हैं, इस पर पहियाँ उस पर फूल आ रखे हैं। और यहाँ पर ये लोग, जो ये मकान है, यहाँ पर सामने से जूम करके दिखाता हूँ आपको, सामने से ये संतरा भी लगे हैं आजकल, देख रहे होंगे आपके संतरे, संतरे का सीज़न भी है। और ये मकान है, यहाँ भी परसों शादी होने वाली है, कल के भी परसों मेहंदी है यहाँ पे 26 तारीख को। और ऐसा ऐसा यहाँ पे सीन है, और शादी के लिए सब लोग बहुत उत्सुक हैं, बहुत मज़ा आ रहा है वाला है शादी में, क्योंकि। और कान्हा भी, कान्हा आप कितने खुश हैं शादी को लेकर, आपने क्या क्या शॉपिंग की कल जोशीमठ जाके, कान्हा कल जोशीमठ गए थे, बताइए कान्हा जी, बताओ कान्हा, कल आपने लिए क्या क्या चीज़ लाया, बताइए आप थोड़ा डिटेल में। धागे वाली पैंट लाया, कौन सी, जोर जोर से बोलिए थोड़ा, धागे वाली पैंट लाया, हाँ, और जैकेट लाया, जैकेट, हाँ, और शूज लाया, शूज लाया वो, और कुछ नहीं लाया। और बढ़िया। और मौसम कैसा रहा कल जोशीमठ का? बहुत गंदा। गंदा बोले तो कैसा, मतलब बहुत क्या हुआ, बारिश बुरिश पड़ रही थी? हाँ। और मौसम ठंडा था वहाँ पे, वेदर बहुत ज्यादा ठंडा लगा। हाँ। और आपने कल जोशीमठ में क्या क्या चीज खाई? चाउमीन और समोसे। और कान्हा जी ने कल, जैसे कि आपने सुना कि कान्हा जी ने कल जोशीमठ में चाउमीन और क्या, समोसा खाया। और उन्होंने शादी के लिए, जो शादी होने वाली है परसों, इसके लिए उन्होंने शॉपिंग भी की है। तो मैं शादी का भी ब्लॉग बनाऊंगा आपको, अभी दिखाऊंगा परसों शादी के दिन का एक ब्लॉग बनाऊंगा, तो आपको दिखाऊंगा किसकी शादी है, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ डिटेल में दूंगा आपको। और बहुत अच्छा मौसम तो नहीं आ, ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठंडा सुबह से बहुत ठंड लग रही है यहाँ गाँव में, जो कि कल तो ऐसा लग रहा था कि क्या पता यहाँ में बर्फ़ गिरने वाली है, बट यहाँ बर्फ़ गिरी नहीं। और नीचे से ये दिख रहा है, जो आवाज़ लगा रहा है मुझे, शुभम, इसका नाम शुभम है, शुभम आवाज़ लगा रहा है, देख शुभम, देखो कैमरा में, ये दिख रहा होगा आपको शुभम। और मेरा मकान इसके नीचे है, थोड़ा यहाँ से दिख नहीं रहा है, थोड़ा ये हल्का सा दिख रहा है यहाँ पे, इधर की साइड है मकान। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये मकान के नीचे, ये हमारा पुराना घर है, यहाँ पे, यहाँ पे हम बहुत ज़िंदगी हमने यहाँ पे काटी है, तो ये हमारा पुराना घर है। और ये शुभम लाल का घर यहाँ पे। और आपको बताता हूँ, ये जो ये मकान है ऊपर से, ये 1, 2, 3, 4, ये हमारा पुराना हो गया ये, और एक ये नया बन रखा है इधर पर, ये सब हमारी फैमिली है नोटियाल बंदों की, तो ये हमारा परिवार है। और तो शादी के लिए सारे लोग अभी बहुत खुश हैं, परसों अभी दूल्हे राजा देहरादून है, बट आने वाले हैं आज, आज आ रहे हैं ना,
तो आज आ रहे हैं दुला राजा देहरादून से। ये देखिए आप वेदर, इसको मैं एक जगह दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर है इसके, यहाँ से इसके बीच हम गए एक शादी में, इसको बोलते हैं किमाना, इस जगह को किमाना बोलते हैं। यहाँ हम बहुत ज़्यादा इन रोड साइड से लगभग 19 किलोमीटर की चढ़ाई यहाँ पे तय करनी पड़ती है, 19 किलोमीटर, और हम धीरे धीरे अपने घर की ओर चलते हुए, और अब क्या करें, हमने गाय को पर इधर ऊपर साइड को भेज दिया है, तो हम आते हुए नीचे घर की ओर और अच्छे अच्छे कदमों से भागते हुए। क्या करें, आजकल ऐसे ही काम है घर में, लॉकडाउन हुआ जब से मैं दिल्ली रहता था, दिल्ली से घर आया हूँ, तो क्या करें, कुछ काम ही नहीं हो रहा है घर में, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास कुछ ना कुछ किया जाए, इसलिए गाय के साथ आया हूँ, थोड़ा एक ब्लॉग टाइप का बना देता हूँ। क्या करें, टाइम पास ही नहीं हो रहा है घर में, तो हम चलते हुए धीरे धीरे कदमों से आगे और चलते हुए घर की ओर। ये टावर है, इनमें इस जब हम छोटे में आते थे, हमने दिख रहे होंगे आपको, ये इस पर हमने इतने पत्थर मारे हैं, ये सारे तोड़ दिए हमने, जब पत्थर मारते थे तो तोड़ते थे उनको, पता नहीं इसको उनको तोड़ने में क्या मज़ा आता था हमको, क्या ही बताएं। और हम चलते हुए फिर घर की ओर, क्या करें, ऐसी ही है हमारी ज़िंदगी, आजकल का लाइफस्टाइल, और हम भागते हुए तेज तेज कदमों से। और अभी सामने से आपको लक्ष्मीनारायण का मंदिर भी दिखाऊंगा आपको, पूरा सा दिखाता हूँ आपको इसी ब्लॉग में, लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर। और हम चलते हुए धीरे धीरे घर में से, और ये है लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर, आप देख रहे होंगे थोड़ा सामने से, ये है काफ़ी अच्छा मंदिर, इसे लक्ष्मीनारायण जी का बहुत बड़ा मंदिर। और हम चलते हुए घर की ओर धीरे धीरे। तो दोस्तों, इससे आगे का ब्लॉग मैं अभी बनाऊंगा, तो दोस्तों आप इस ब्लॉग को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल को, और प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें प्लीज़, थैंक यू। और मेरे गाँव और मंदिर कैसा लगा, थैंक यू, धन्यवाद।